गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने हेरिडिटी चैप्टर के पहले लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था और अब हम इससे आगे का जो चैप्टर है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो टुडे वी स्टडीड अबाउट रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। आज हम रेस्पिरेशन एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में श्वसन तंत्र और उससे जुड़ी हुई व्यवस्थाएं और क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। वी फाइंड दैट ब्लड एंड लिम्फ कैरी न्यूट्रिएंट्स टू अवर सेल्स वेयर ब्लड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड अ प्रोसेस कॉल्ड एस रेस्पिरेशन। ठीक है, हमने इसके पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ा था और उसके पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि जो फूड हम अचीव करते हैं, है ना, खाते हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर पचता है, डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे अणुओं में उसको तोड़ा जाता है और फिर उसको ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के थ्रू हार्ट से फिर आर्टरीज और वेन और लिम्फ के थ्रू हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाता है, हर एक सेल में पहुंचाया जाता है और फिर यहाँ पर रेस्पिरेशन के थ्रू जो हम गैसेस लेते हैं, गैसेस में क्या है, मेनली ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर ब्लड के थ्रू लाए गए, जो हमने भोजन किया था उसका जो सबसे स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा, को एनर्जी में कन्वर्ट, मतलब इसको तोड़ देता है और क्या कहना चाहिए, इसको ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। ऑक्सीजन गैस जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्लड के थ्रू लाए गए जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑक्सीडाइज्ड करके यानी तोड़कर उसको विखंडित करके फिर उससे हमको काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसे ही कहेंगे एक्चुअल मायने में रेस्पिरेशन। ठीक, दिस एनर्जी हेल्प टू रन ऑल लाइफ प्रोसेस, all living organisms, whether plants or animals, respire all through the day। ये जो एनर्जी है वो सभी लिविंग प्रोसेस को करने के लिए हमको एनर्जी देता है, आवश्यक होता है। जैसे हम इवन हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, उसके लिए भी हमको एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी हमको यहीं से मिलती है। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, वो इसी रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं, है ना, पूरे दिन जब तक वो लिविंग है तब तक ये क्रिया चलते रहती है। दिस रिक्वायर्स कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एटमोसफेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस क्रिया के लिए गैसों का एक्सचेंज जो है वो लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के और इन्वायरमेंट के बीच में चलते रहती है। देर इज एन इलाबोरेट सिस्टम ऑफ वेसल्स, स्टोमेटा एंड अदर स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, वाइल देयर आर वेसल्स, गिल्स और स्किन और लंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर इन एनिमल्स दैट फैसिलिटेट गैसेस एक्सचेंजेस। और इस क्रिया के लिए, गैसों के इस एक्सचेंज के लिए इलाबोरेट सिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में वेसल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं, उसी प्रकार एनिमल्स में वेसल्स होते हैं, गिल्स होते हैं, या कुछ एनिमल्स स्किन के द्वारा, अदर आर लंग्स और दूसरे स्ट्रक्चर के द्वारा इन गैसों का एक्सचेंज जो है वो एटमॉस्फेयर से या एनवायरनमेंट से करते हैं। वी हैव अ पेयर ऑफ लंग्स एंड
रेस्पिरेटरी ट्यूब्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नोज टू लंग्स दैट हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। ह्यूमन बींग्स में एक पेयर लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं चेस्ट रीजन में, और रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होता है ना, लंग्स से जुड़े हुए, जो कि हमको एनवायरनमेंट से इन गैसों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। द होल नेटवर्क बींग टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये जो है वो सारा जो मैकेनिज्म्स है, जो सारा काम है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है, 1 and 2, 1 pair ऑफ लंग्स, और ये जो है वो रेस्पिरेटरी पाइप होता है जो नोज के थ्रू लंग्स में गया हुआ है, और फिर यहाँ से ये जो गैसे हैं है ना, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स करके हार्ट में पहुंचाया जाता है, और हार्ट से पूरे बॉडी में भेजा जाता है, और पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट में लाया जाता है, हार्ट के थ्रू ये लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर ये रेस्पिरेटरी पाइप से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो लंग्स आर स्पंजी स्ट्रक्चर विथ अ वास्ट ब्रांचेस नेटवर्क ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब्स। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं रेस्पिरेटरी ट्यूब्स आया है नोज से, ये कहाँ आया, थ्रोट में होते हुए फिर चेस्ट रीजन में आया और दो भागों में बढ़ गया और राइट और लेफ्ट लंग्स में चले गया। वहां पर ये फिर बहुत सारे ब्रांचेस में बढ़ गया, ट्यूब्स में बढ़ गया, और अंत में फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट इसका जो रीजन होता है वो गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर, बैलून जैसे स्ट्रक्चर में इसका एंड हो रहा है। ये जो बैलून जैसे स्ट्रक्चर है वह कहलाता है विली या विलाई, और यहाँ पर जो ये हम देख रहे हैं ब्लड का जो कैपिलरी है ना, ट्यूब्स हैं, ब्लड ट्यूब्स जो है यहाँ पर चारों तरफ से इसको घेरे रहते हैं, जो कि कैपिलरी कहलाते हैं, और इसी कैपिलरी के थ्रू गैसों का एक्सचेंज यहाँ पर होता है विली। ओके, देन द एक्सट्रीमिट्स ऑफ द ट्यूब्स है और ब्रांचेस ऑफ सेवरल एयर सैक्स विच आर बबल्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एल्वियोलाई और विलाई। इफ ऑल द एल्वियोलाई वर स्प्रेड आउट दे वुड कवर एन एरिया ऑफ नियरली 100 square meters। हमारे दोनों लंग्स में जितने भी एल्वियोलाई होते हैं, ये बबल्स लाइक स्ट्रक्चर या बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको अगर हम फैलाएं खोल के तो वो 1000 square meters को कवर कर सकता है, इतना इसका एरिया होता है। दिस प्रोवाइडेस वास्ट सरफेस फॉर द गैसेस एक्सचेंज, इस प्रकार ये गैसेस एक्सचेंज के लिए बड़ा क्षेत्र प्रोवाइड करता है। ब्लड वेसल्स एंड एल्वियोलर वॉल्स हैव अ फाइन इंटरफेस फैसिलिटेटिंग ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड दैट हैज कम फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ब्लड जो वेसल्स होते हैं वो हार्ट से आते हैं, और ये एल्वियोलाई में कैपिलरीज के रूप में कवर किए रहते हैं इसको पूरी तरह से, और ये जो है इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में फिर से जाता है। व्हाइल मेनली ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द ब्लड वेसल्स, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू एल्वियोलाई। पूरे बॉडी से जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ला जाता है वो एल्वियोलाई के थ्रू ब्लड से आउट कर दिया जाता है। द लंग्स में भी इफेक्टेड बाय इन्फेक्शन डस्ट एंड स्मोक, लंग्स जो है वो स्मोक और डस्ट से इन्फेक्टेड हो जाता है। कभी कभी हमारे आसपास धुआं रहता है या धूल रहता है तो हमको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगता है ना, तो ये जो धूल के कण है, धुआं के कण है, वो हमारे ब्रीथिंग के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है, और ये एल्वियोलाई जो होता है उसके वॉल्स को कवर कर लेता है, जिसको जिससे हमको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। ब्रीथिंग इन और आउट इज अ प्रोसेस दैट अल्टीमेटली हेल्प टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल्स बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन देम। द मूवमेंट ऑफ
डायफ्राम विच इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर बिटवीन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी एंड मूवमेंट ऑफ रिब्स बाई मस्कुलर मूवमेंट फैसिलिटेट एक्सपेंशन और कंट्रक्शन ऑफ लंग्स। जो ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है वो इंटरनल इन्वायरमेंट और सेल के द्वारा मेंटेन किया जाता है और इसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो हेल्प करते हैं। डायफ्राम जो होता है लंग्स के नीचे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो है वो डायफ्राम है ना, ये डायफ्राम और यहाँ पर रिब्स होते हैं, ठीक है। रिब्स में मसल्स होते हैं, लंग्स में एक्चुअली कोई मसल्स नहीं होता। रिब्स में जो मसल्स होते हैं वो जब संकुचित होते हैं तो रिब्स फैल जाता है, डायफ्राम सीधा हो जाता है, अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और बाहर से हवा अंदर दोनों लंग्स में भर जाता है। और इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में मिला दिया जाता है और इसी बीच पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में ला दिया जाता है हार्ट के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि ये डायफ्राम जो है वो ऊपर उठ जाता है और रिब्स जो है वो सिकुड़ जाता है, तो अंदर का जो वॉल्यूम है, चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, लंग्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं और श्वसन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। व्हेन डायफ्राम कंस्ट्रक्ट एंड बिकम्स फ्लैट एंड रिब्स कैच एक्सटेंड आउट, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज एंड एयर फ्लोस इनटू लंग्स थ्रू ट्यूब्स स्टार्टिंग फ्रॉम our nose. Contrary to this, relaxation of diaphragm causes most of the air to flow out of the lungs. A maximum of nearly 4 to 6 liters of air may fill into the lungs with each breath. हर एक सांस में हम लगभग 4 से 6 लीटर एयर को लंग्स में अंदर लेते हैं। Not all of this flows out in a living individual. Nearly 1.5 to 2.5 liters of air is always present in the lungs. और जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा बाहर नहीं निकलता, पूरा एयर जो है वो बाहर नहीं होता, बल्कि हर समय हमारे लंग्स में 1.5 से 2.5 लीटर एयर जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। If one of our lungs become non-functional, the other takes over the function. अगर हमारा एक lungs सही काम नहीं कर रहा है तो दूसरा जो है वो इसको cover कर लेता है और वो function करते रहता है। This happens in the cause of our kidneys as well. यही जो है वो हमारे kidney के साथ भी होता है। अगर हमारा एक kidney सही काम नहीं कर रहा है तो दूसरा kidney काम करके हमारे body के काम को चला लेता है। We may never feel any difference all through our life. Several functions go on in our body that complement each other. हमारे बॉडी में ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जिसमें हमारे बॉडी ऑर्गन्स दो हैं, है ना, और ये जो है वो एक के खराब होने से दूसरा जो है वो काम कर लेता है। All systems of our body work in mutual coordination. Certain structure show such pathway. One such structure between respiratory tract and gut is shown in figure 8. Here you ever felt the connection while swallowing food, our breathing stops for a moment. Let's do an activities to feel this. तो हम ये एक्टिविटी को नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।